Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hopefully you are doing absolutely good. तो अभी टाइम फिलहाल सुबह के 10 बजने लगे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ अपना शर्ट पजामा और साथ में चप्पल पहन के. तो अभी हम जा रहे हैं, इसको वंशिका को भी ड्रॉप करना है इसके घर वाली साइड, और इसके घर से आगे थोड़ी दूर क्या मतलब आई है 15-20 किलोमीटर, तो एक गाँव है वहाँ पर इलाज करते हैं भाई इसी चीज़ का, दर्द उर्द का ना कुछ वो है चेला टाइप, तो वो कुछ मंत्र मंत्र मार के करते हैं. तो देखते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है देखते हैं पूरी चीज़. तो वहाँ पे जाएंगे और फिलहाल यहाँ से निकलने लगे हैं भाई घर से. तू किसका वेट कर रही? मैं बोल रही हूँ रखना आगे गोदी में पकड़ना है. अगर गाड़ी में ये दूध गिरा तुम बचे नहीं कोई भी, ठीक है? पहली बार यार पकड़ के रखना इसको हाथ में बस, और कोई चक्कर नहीं है, दूध आदमी स्मेल नहीं जाती. फिर तेरा सामान आ गया पीछे पूरा है? चल ठीक है फिर कर दे बंद, यहाँ से होता है पकड़ने के लिए, ठीक है? इतनी ऊपर हाथ नहीं पहुँचे ना, यहाँ से पकड़ना ठीक है, फिर यहाँ करना ही पड़ता है. चलो जी बंद हो गया. वही नेल्स मत लगा, नेल्स के साथ साफ कर रही. गाड़ी पे धूल चिपक गई हुई है तो सारी ना इन्होंने पॉलिश मारा ना भाई उस दिन का, मैं साफ कर रहा था इसको लेकिन हट नहीं थी, हाथ के साथ हो जा रही है, कपड़े के साथ नहीं हो रही भाई. ये तो सारी यहाँ पे उन्होंने पॉलिश मारा है ना, ये गंदा सा पॉलिश की वजह से साथ में. ऐसे कर रहा हूँ पीछे आ रही धूल यहाँ पे सारी पीछे पीछे. चलो आगे रास्ते में गंदी होनी है. वंशिका मेरी दवाई भी होगी यार, भाई मम्मी भी रेडी हो गई. मम्मी को बस ये सामान लेके आ दूंगी लेके. चलो रख दो गाड़ी में रख दो, फिर कोई पता, पर जाना जूना नहीं है, मैंने पहले बोल रख दो ऐसे. फिर दवाई मेरी खानी भी है यार, मैंने खाना, मैं नींद की गोली थोड़ी खा रहा हूँ अभी, मैं रात वाली खाने लगा. मम्मी कह रहे हैं कि इसने दूर में खड़े होना, जब कुछ नशा आता होगा तभी नशा रात को. अच्छा नशा तो शायद होता, दर्द की दवाई होती है. हाँ हाँ, तो रात को दर्द से रिलीफ चाहिए, तो दर्द वाली दवाई नींद आती है. दर्द वाली दवाई नींद आती है, वाह बेटे. तभी बोला मैंने रात को तो होगी, सो जाए बंदा ढंग से, नींद आ जाए उसको प्रॉपर, दर्द ना तो होती है रात. ज्यादा हैवी डोज देते ना रात को, ऊपरी चाय ऊपरी पानी. चलो जी गाइस अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से. बैठिया गाड़ी आ रही है, गाड़ी ऐसे थोड़ी जाएगी, जगह मिलेगी उसको भी जाएगी. बोतल पाली पानी ने? हाँ बोतल है. चलो जी गाइस फिलहाल यहाँ से भी निकल गया घर से. तो गाइस अभी धारे पे रुके हैं, वंशिका गई है वहाँ पे पानी भरने के लिए. बोतल लेके गई साथ में, बड़ी बोतल है इसमें गाड़ी में पड़ी हुई. दो ले क्यों, तो तू पी लेना आप उसमें से, उसमें से पी लेना. एक लीटर पानी अंदर. तो कहते अभी फिलहाल हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, बाबा जी के पास पहुंच गए, तो अभी फिलहाल उनके पास चलते हैं और कराते हैं भाई अपना ट्रीटमेंट जो वो करते हैं. तो ये शॉप है भाई उनकी और बाबा जी अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे मौसी भी करवा रहे हैं अपना थोड़ा सा. तो कहते हो गया है थोड़ा सा करा उन्होंने भाई, ये समझ लो कि 30-35 सेकंड करा सिर्फ, और कह रहे हैं आप कल आना है और सामान मंगवाया कुछ ऑयल और धागा वगैरह, तो वो लेके आएंगे अभी हम कल. और चलो तो गए अभी रास्ते में रुके थे आइसक्रीम खाने के लिए, ये कुल्फी भाई स्कूल टाइम पे ये पीछे तो खा रहे हैं, इनको तो मिल गई भाई. स्कूल टाइम में खाते थे हम, जब स्कूल में हुआ करते थे तब मिलती थी 10 रुपये की, अब 20 रुपये की होगी ये इतनी सी खोए वाली कुल्फी. जब टेंथ में होता था ना स्कूल जाते, उसके बाद आज खाने लगा हूँ भाई 2015 के बाद, आज 7 साल बाद खाने लगा हूँ आज ये वाली कुल्फी. सही है. चलो जी गाइस गाड़ी कर दिया पार्क, फिलहाल जा रहे हैं मासी के घर, वो है सामने जा रहे हैं. तो गाइस फिलहाल मासी घर पे भी आ गए हैं और साथ में मैं आते ही भाई काम करने लग पड़ा हूँ, एडिटिंग करने लग पड़ा हूँ अपनी, और एडिटिंग वेडिटिंग करके उसके बाद सो जाऊँगा थोड़ी देर, यहाँ पे आराम करेंगे और फिर शाम को देखते हैं भाई. जा तो कहा ही सकते हैं पर यहीं रहेंगे. मम्मी कह रहे हैं मार्केट जाना, मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं रेस्ट करूंगा, अब इनके साथ स्कूटी पे जा रहा हूँ. तो गाइस अभी अपना खाना भी आ गया यहाँ पे, बड़ा कुछ है भाई इतना कुछ क्या बताना, सब्जियाँ दाल दही साथ में सलाद, तो ये खाते हैं साथ साथ में काम भी कर रहा हूँ मैं.
भाई शाम हो चुकी है, 6 बज गए होंगे शाम के, 6:30 हो गए हैं और आईपीएल देख रहा हूँ मैं। और भाई यहाँ पे चाय है, वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ यूजली, बड़ी रेयर बड़ी कम, तो अब मैं पीने लगा हूँ। ये नई ट्रिक है भाई, तन्नम भी देख के हैरान हो रहा है तो कि क्या करने लगा ये। तो फिलहाल ये है बर्फ़ी का पीस, इसको हम डाल देंगे यहाँ चाय के बीच में। ये 1 2 3 गो कह रहा है ची ची ची, और एक बार करके देख ट्राई, तो बोले मज़ा, जिंदगी का मज़ा भाई, इतना गंदा नहीं मज़ा ये है। वो विकेट आउट हो गया एक और, तो भाई अब इसके बाद ये कप भर गया ना, अदरवाइज मैं एक और डाल देता इसमें। चलो जी ये अद्धा वाला बाद में डालेंगे थोड़ी सी पी के। भाई चाय पीने का जो मज़ा आ रहा है ना, हाँ, लास्ट मज़ा आएगा बर्फी खाने का, जो बिल्कुल मेल्ट हो गई होगी। एक बार ट्राई करके देखना, मेरे को भी किसी ने बताया था भाई, और मैंने करा था विंटर्स टाइम पे जब सर्दियाँ थी कड़ाके की, और चाय ली कहीं पहाड़ पे गए थे हम ना, चाय ली और साथ में बीच में बर्फी डाली, पर भाई मज़ा आया ना, जो करना कभी जिंदगी में ट्राई बर्फी खाने का जो मज़ा था लास्ट में। गाइस यहाँ मेरे साथ मेरा कज़न ही समझ लो, तो ये डेली व्लॉग देते हैं, मेरे सब्सक्राइबर डेली देते हैं, डेली व्लॉग सुबह कितने बजे, सुबह देखते शाम को, जब मर्जी जब दिल करे कह रहा तब देखते, डेली देखते हर एक, कोई मिस नहीं करना, क्या बात है भाई। तो यहाँ सब्सक्राइबर भी मिल गए मेरे को साथ में, फोटो करवाने मेरे साथ क्या रहा करवा लो, कितना क्यूट सा भाई। तो चलो अब चाय पी रहे अपन मस्त, और मम्मी वगैरह भाई मार्केट गए हैं मुसी वगैरह के साथ, तो हम दो ही हैं, मैं तन्ने और ये हैं घर पे। तो गाइस अपना डिनर भी आ गया, दाल चावल और साथ में खट्टा ला दो, तो ये खाते हैं भाई। और भाई मेरा कहाँ चुप रहा है, तो ये आज देख रहा है पूरा व्लॉग कैसे बनता है भाई। तो गाइस दही बल्ले भी आ गए भाई, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कमरे से, ये बने हुए यहाँ पे खाना लेने के लिए, मसी देख रहे हैं बल्ले आए हैं लखनपुर से स्पेशल, जम्मू से बल्ले मूसा जी लेके आए हैं, साथ में चटनी लाल रख। और मम्मी मेरी देख रही है बल्लों के बीच में घुस गई है पूरी पूरी, सोच रही आज मिल जाए तो ज़्यादा खाऊंगी मैं, है ना।